हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे रस्टोस थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, जिसके अंदर रस्टो ने पांच स्टेजेस बताई हैं कि जो अर्थव्यवस्था है जब वो आर्थिक विकास करती है तो इन्हीं स्टेजेस में से गुजरती है। देखो, हर एक इकोनॉमी जो है उसको कुछ स्टेजेस के अंदर से जो है गुजरना पड़ता है जब वो अपना आर्थिक विकास करती है। और यहाँ पे जैसे फ्रेडरिक लिस्ट एंड हिल्डर ब्रांड है, उन्होंने कहा है कि तीन स्टेजेस हैं। प्राइमरी है, देखो, जब अर्थव्यवस्था जो है पहले एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, जब थोड़ी सी और तरक्की करती है तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चली जाती है, जब और तरक्की करती है तो वो टर्शरी सेक्टर के अंदर चली जाती है। तो उन्होंने कहा कि तीन स्टेजेस हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर है। कार्ल मार्क्स ने जो है आइडेंटिफाई किया है, फ्यूडलिज्म सामंतवाद है, उसके बाद पूंजीवाद आ जाता है, उसके बाद जो है सोशलिज्म आ जाता है। अब देखो, जो रस्टोव की स्टेजेस है, देखो, फर्स्ट है ट्रेडिशनल स्टेज, उसके बाद है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, जिसके अंदर क्या होता है वो रेडी हो जाता है, और टेक ऑफ के अंदर क्या होता है कि वो तरक्की के रास्ते पे चल पड़ता है। चौथा जो है ड्राइव टू मेच्योरिटी है। फिफ्थ जो है द स्टेजेस ऑफ हाई मास कंजम्पशन। देखो, सबसे पहली स्टेज जो है डैट इज़ द ट्रेडिशनल सोसाइटी। देखो, ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि पर कैपिटा आउटपुट जो है डैट इज़ वेरी लो, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड यूज़ की जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा जो अच्छी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पता ही नहीं होता। क्योंकि देखो, जब भी इकोनॉमी शुरू होती है तो ट्रेडिशनल सोसाइटी से ही शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास जो टेक्निक्स होती हैं वो बैकवर्ड्स होती हैं। और जो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो होती है, देखो, इसको बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन होती है। और प्री न्यूटियन साइंस का मतलब होता है कि यहाँ पे साइंस की कोई नॉलेज, टेक्नोलॉजी को कोई नॉलेज नहीं होती, और लोगों का जो है साइंस के प्रति कोई झुकाव भी नहीं होता है, वो लर्निंग भी नहीं करना चाहते। और यहाँ पे देखो, बेसिकली जो है कि ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हू स्ट्रक्चर इज डिवेल्प विद इन लिमिटेड प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन जो होती है लिमिटेड होती है, और यहाँ पे बैकवर्ड टेक्निक्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है ये स्टैटिक इकोनॉमी नहीं होती, कि इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर कोई गति नहीं होती। प्रोडक्शन तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट तक ही हो सकती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी। देखो, एक तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर जो है उस पर डिपेंड करते हैं। जो लोगों का मेन किता होता है, ऑक्यूपेशन होता है, वो एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर से ही वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और एग्रीकल्चर जो होती है बैकवर्ड स्टेज के अंदर होती है। और सेकेंडली क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली एंड कास्ट सिस्टम। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो सोसाइटी के अंदर सोशल सेटअप होता है वो फैमिली एंड कास्ट सिस्टम के अंदर होता है, और जो फैमिली और कास्ट के बेसिस पे ही लोग जो है सोसाइटी जो है एक्सेप्ट करती है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसकी कॉम्पिटेंसी का कोई मायने नहीं रखता, और यहाँ पे लोग जो है किस्मत के अंदर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और जो भी वो डिसीजन लेते हैं भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। और थर्ड जो है पॉलिटिकल पावर, और ये पॉलिटिकल पावर जो होती है कुछ जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं उन्हीं के पास होती है, उन्हीं को जागीरदार भी कहते हैं, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, वेरियर्स भी आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो देश के रिसोर्सेज होते हैं वो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखो, जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल एब्सेंट होती है, इसीलिए इसको प्री न्यूटियन स्टेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्थिक विकास है वो बैकवर्ड होता है, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह जो है नहीं पता होती। और यहाँ पे जो डिवेलपमेंट होती है डैट इज़ ऑल्सो वेरी लिमिटेड, क्योंकि पर कैपिटा आउटपुट हम रेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास टेक्निक्स होती हैं वो बहुत ही बैकवर्ड यूज़ की जाती हैं। और यहाँ पे देखो, जो इकोनॉमी है ट्रेडिशनल रहती है, बैकवर्ड रहती है। और यहाँ पे जो इनकम होती है उसको मॉन्यूमेंट्स जैसे मंदिर गुरुद्वारे बनाने पे जो है खर्च कर दिया जाता है, लेकिन देश की तरक्की के ऊपर जो है कम खर्चा किया जाता है। अब देखो, जो
सेकेंड स्टेज है, डैट इज़ द प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। देखो ये जो स्टेज है कई बार ये 100 ईयर तक रहती है, और यहाँ पे क्या होता है कि कंडीशन जो होती हैं फेवरेबल होती हैं, जिसके अंदर ग्रोथ जो है पॉसिबल होती है। रिस्टो कहते हैं द सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रोथ एम्ब्रेसेस सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, कि इसके अंदर चेंज प्रोसेस शुरू हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमी की प्रोग्रेस के लिए क्या है कंडीशंस होनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे देखो जो लोग हैं वो ग्रोथ के बारे में सोचने लग जाते हैं। इकोनॉमी जो होती है डैट इज़ द कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द टेक ऑफ द स्टेज, जिसके अंदर वो तैयार होती है। और यहाँ पे लोग जो हैं उनका व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है, वो ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे लोग जो मॉडर्नाइजेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन है, और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड वेंचर्स हैं उनकी तरफ भी उनका ध्यान जाता है। और यहाँ पे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स वगैरह भी बनती हैं, रेलवेज वगैरह भी डाइवर्सिफिकेशन होती है, बंदरगाह भी बनती हैं, लेकिन होता ये स्लो स्पीड पे है। और यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो होती है स्लो होती है। और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इन स्टेजेस के अंदर उसका रोल जो होता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, स्ट्रांग हो जाती है वो। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्री कंडीशन टेक ऑफ। फर्स्ट जो है लेस डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चर। देखो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसके ऊपर क्या था कि एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस थी, लेकिन जो प्री कंडीशन है जिसके अंदर क्या है कि इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट जो है वो डिवेल्प होनी शुरू हो जाती है। और सेकेंड है इन लार्ज एंड सोशल कॉस्ट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो रोड्स पे, डैम्स पे, ब्रिजेस में, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रिसर्च के ऊपर लगाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे देखो लोग जो हैं अब क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बर्थ रेट जो होता है कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड जो है कम हो जाती है, और लोग जो है अपनी फैमिली को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। और यहाँ पे जो लोग हैं उनके व्यूज़ के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। अब उनको लगता है कि रिसोर्सेज को यूज़ करके उनको प्रोडक्शन, मतलब वो ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे देखो जैसे प्रीवियस ट्रेडिशनल के अंदर क्या था, कॉम्पिटेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, अब यहाँ पे क्या है कि सोशल और रिलीजियस स्टेटस पे नहीं, यहाँ पे पर्सनल स्किल के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और यहाँ पे जो पुरानी रीति रिवाज होते हैं, जो रूढ़िवादी सोच होती है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। इकोनॉमी जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है धकेल दी जाती है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो सेविंग भी करते हैं, और सेविंग करते हैं तो उसको इन्वेस्ट भी करते हैं, और जो जनरली 10% जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी जो है शुरू हो जाता है, और यहाँ पे लोग जो है फिनिश्ड एंड कैपिटल गुड जो है बाहर से मंगवाते हैं, और रॉ मटेरियल जो है सेमी फिनिश गुड जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेज जो है टेक ऑफ स्टेज है, जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इकोनॉमी जो है बिना किसी एक्सटर्नल सहायता से क्या है प्रोग्रेस कर सकती है। यहाँ पे न्यू इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हो जाता है, न्यू इनोवेशंस जो है हो जाती हैं, और सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी जो है चेंज हो जाता है, वो भी जो है कंड्यूसिव हो जाता है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, तो देखो इसका 1783 और 1802 के बीच में टेक ऑफ हुआ था, यूएसए का 43 एंड 60 के अंदर, रशिया का 1890 और 1914 के अंदर, इंडिया और चाइना का 1952 के अंदर जो है स्टार्ट हुआ था। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द टेक ऑफ द स्टेज, जिसके अंदर प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखो जो इन रेट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो जैसे मैंने प्रीवियस में कहा था कि 10% होती है कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे इससे ज़्यादा होती है। और देखो यहाँ पे जो लीडिंग सेक्टर्स हैं उनकी मतलब ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जैसे प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर है, तो प्राइमरी ग्रोथ सेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि देखो अब जो है जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़िया किस्म की यूज़ की जाती हैं। और यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर जो है काफ़ी, जैसे इंग्लैंड के अंदर वो
काफ़ी डेवलप हुआ था। क्रिटेन ब्रिटेन के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले टेक्सटाइल सेक्टर से स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद क्या है सप्लीमेंट्री ग्रोथ सेक्टर जो है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जब एक सेक्टर डेवलप होता है तो वो साथ में दूसरे सेक्टर्स को भी डेवलप कर देता है। जैसे रेलवे है तो उसकी वजह से कोयला, आयरन एंड इंजीनियरिंग एंटरप्राइज की भी डिवेलपमेंट शुरू हो जाती है। और ड्राइव जो ग्रोथ सेक्टर है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी से जैसे